हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बर्नाली एंड वेलकम टू बरूस किचन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आप सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे आ चुका है और हम सभी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए मैं आज बनाने वाली हूँ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फ्राइड राइस। फ्लैग का रेप्लिका तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन देश अपने दिल में ज़रूर बसता है, इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और रेसिपी को फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है बासमती राइस। मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती राइस ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 3.5 कप वाटर। ट्राई कलर फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें पहले प्लेन राइस बना लेना है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे राइस को पहले उबाल लूँगी, पहले राइस बना लूँगी, उसके बाद जाके मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी, वो भी 3 तरह के। तो यहाँ पे मैंने राइस को पहले धो लिया है, उसके बाद इसमें फिर से पानी ऐड करके इसे मैं बॉयल होने दे दूँगी। आप राइस जिस भी मेथड से बनाते हैं उस मेथड से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ प्रेशर कुक किया है और राइस बन चुका है। अब आप देख सकते हैं कि राइस बिल्कुल खिला खिला बन चुका है। अब हमें फ्राइड राइस के लिए सब्जियाँ कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर को कवर करने के लिए कैप्सिकम और केसरी रंग को कवर करने के लिए गाजर ले लिया है। तो मैं अब वेजिटेबल्स को कट कर लूँगी और हाँ, वाइट कलर को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर ले लिया है। आप वेजिटेबल्स अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड वेजिटेबल्स ली हूँ। आप चाहे तो प्लेन फ्राइड राइस भी बना सकते हैं कलर्ड वाले। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इससे मैं मोटिवेट होकर नए नए वीडियोस लेके आती हूँ। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने सारे सब्जियां कट कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई में तेल ली हूँ और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। सबसे पहले हम वाइट कलर का राइस बनाएंगे, यानी कि हमें कोई भी कलर ऐड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर डाल दिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और उसके बाद राइस डालूँगी। मैंने यहाँ पे एक गलती की कि मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है और सरसों के तेल में थोड़ा सा येलोइश कलर आ ही जाता है। तो आप इसमें सरसों का तेल अवॉइड कीजिए और दूसरा कोई भी तेल ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे वाइट राइस डाल दिया है। मैं यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये देखा जाए तो एक जीरा राइस की तरह बन रहा है। और यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत ही वेजिटेबल्स ऐड किए, सिर्फ कॉलीफ्लावर ऐड किया है। अगर आप चाहे तो इसमें दूसरे वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरे वेजिटेबल्स इसलिए ऐड नहीं किए हैं क्योंकि इससे वाइट कलर नहीं दिखेगा और दूसरे कलर पर ज़्यादा फोकस आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दूसरे कोई भी कलर के वेजिटेबल्स नहीं डाले हैं। आप सभी को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया के लिए इतना प्यार तो बनता ही है, और इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए और आप ढेर सारे लाइक्स कीजिए। और अब मैंने सेम कढ़ाई को फिर से गर्म किया, उसमें सरसों का तेल ऐड किया 2 टेबलस्पून और जो हमने ग्रीन वेजिटेबल्स कट किए थे कैप्सिकम और बीन्स, उसे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम राइस को ग्रीन करने के लिए ग्रीन फूड कलर यूज़ करेंगे, जो कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है और आजकल मार्केट में अच्छे वाले फूड कलर्स आते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस ऐड किया है। मैंने हर बार 2 कप राइस ऐड किया है और मैं यहाँ पे हर बार 2 कप ही राइस ऐड करूँगी ताकि क्वान्टिटी हमारा सेम रहे। तो यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर ली थी, उसके बाद राइस ऐड की। अब ग्रीन कलर के लिए आजकल लिक्विड फूड कलर है मार्केट में, और लिक्विड फूड कलर में हल्का सा पानी ऐड कर देना है, उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार ऐड किया है और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे मिर्ची का पाउडर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उससे थोड़ा रेडिश कलर आ जाता है, तो इसीलिए मैं मिर्ची का पाउडर कम्प्लीटली स्किप कर रही हूँ। एंड लेकिन सबसे मज़ेदार बात मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, जो कि अभी सीक्रेट है। अब हमें यहाँ पे राइस को थोड़ी देर तक पकाना है, तब तक पकाना है जब तक राइस में जो गीलापन है वो निकल ना जाए और ड्राइनेस ना आ जाए। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रीन फ्राइड राइस भी बनके तैयार हो चुका है। अब बारी आती है सैफ्रॉन फ्राइड राइस की। तो ग्रीन फ्राइड राइस परफेक्टली तैयार हो चुकी है। चलिए इस बात पर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है कैरेट्स,
जो हमने गाजर कट करके रखा था वो मैं डाल चुकी हूँ। और ये तेल में फ्राई करना है थोड़ी देर तक, क्योंकि गाजर को हमें बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना होता है। और अब मैं राइस ऐड करूँगी सेम क्वांटिटी 2 कप और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज रेड कलर यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे सेजवान चटनी। तो मैं ये बना रही हूँ सेजवान फ्राइड राइस। तीनों अलग अलग तरह के फ्राइड राइस है, ये है सेजवान फ्राइड राइस और ऑरेंज रेड कलर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक राइस में ड्राइनेस ना आ जाए और राइस अच्छे से पक ना जाए। और ये सेजवान फ्राइड राइस बन रहा है तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि ये कितना टेस्टी होने वाला है। वैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, उसके लिए आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन ये है कि इंडियन फ्लैग के 3 कलर होते हैं, तो तीनों कलर का मीनिंग क्या होता है? तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये इंडियन कलर्स का मीनिंग क्या होता है। आई नो सबको पता होगा ये आंसर, बट मैं ये सबसे जानना चाहती हूँ। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है इंडियन फ्लैग को डेकोरेट करना। तो यहाँ पे हमने सबसे ऊपर सैफ्रॉन कलर का राइस डाल दिया है। अब मैं वाइट राइस भी डाल दूंगी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा येलोइश हो गया है राइस, तो इसे कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा वाइट राइस डाल दूंगी ऊपर। और उसके बाद डालना है ग्रीन राइस। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये राइस का आइडिया कैसा लगा। और जो सीक्रेट पार्ट था वो है कि आप ये तीनों राइस को बाद में मिक्स करके खा सकते हैं, बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि सेजवान राइस है, जीरा राइस है और हमारे पास कैप्सिकम राइस है। तो तीनों का जब हम मिक्स करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा टेस्ट आएगा। तो मुझे ढेर सारे कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऑब्वियसली हम सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो सब लोग बोलो जय हिंद। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बी सेफ। बाय बाय।